क्या हुआ? इतना साइलेंट क्यों है? कार्ड फंस गया क्या एटीएम मशीन में? अरे भाई कुछ बोलेगा? बॉस के साथ कुछ लफड़ा हुआ क्या? तुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि पक्का बॉस ने तेरी गांड मारी है। नौकरी है कि गई? अरे भोसड़ी के, तुझे कितनी बार बोला है जहां टैलेंट कम हो ना वहां पे जी हजूरी करने का। पाँ। अब तुझे कैसे बताऊं, नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है, कांड तक मरवानी पड़ती है। तो नहीं तो क्या? खैर अब जो हुआ तो हुआ, मैं तुझे गुरु मंत्र देता हूँ, बस सीधा जाने का और बॉस के पैर पे गिर जाने का। अबे देख क्या रहा है, गिरना पड़ता है। और मालूम है कभी कभी तो बॉस के ना घर के छोटे मोटे काम कर देने का, उनके कपड़े धोने का, उनके बर्तन साफ करने का, उनके संडा साफ करने का, इससे ना अपना बॉस खुश होता है। और ये सब छोटा मोटा काम कर देने का, अरे कुछ नहीं होता है साला, इससे अपना ना नौकरी एकदम पक्का। अरे भोसड़ी है, तू तो रोने लग गया बे। अरे मेरा बच्चा। चल टेंशन मत ले, देख मैं बोलता ना तेरे को, कल मैं तेरे साथ जाता हूँ ठीक है, और मैं सीधा बॉस के पैर पकड़ लेता हूँ और तुझे नौकरी दिला देता हूँ। चल अब रो मत। नीर ब्रो, तेरा मोबाइल मेरे बैग में रह गया था, तेरे गांव से फोन आया था, बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया है कोमा में। भोसड़ी के चूतिया, पहले क्यों नहीं बताया बाबूजी? देखा आपने, जो इतना शाना बनता है उसका ऐसे ही होता है। बाकी आप टेंशन मत लो, आप ये सब छोड़ो, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। अरे भाई सारे मैं ही बोलूंगा तो आप लोग आओ यार। हाय फ्रेंड्स, बाबूजी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। देखो लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो ये भोसड़ी वाले को नौकरी से निकाल दूंगा।